सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आपके हृदय में विराजमान प्रभु को भी मैं प्रणाम करता हूं। जीवन और जीवन की महिमा, जीवन में आने वाली समस्या और जीवन में आने वाली समस्या का समाधान, बहुत कुछ सोचते हैं और हमारे जीवन के अंदर अपने माता पिता तो हमारे प्रथम गुरु है ही। उसके बाद हम स्कूल में जाते हैं तो शिक्षक भी हमारे गुरु के रूप में होते हैं, जो हम शिक्षा देते हैं, ABCD सिखाते हैं, 1 2 3 4 सिखाते हैं, 1 2 3 4 सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। मगर इसके अंदर अंदर जैसे जीवन आगे बढ़ते जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है तो एक से अनेक प्रकार की इच्छाएं होती हैं, और एक से अनेक प्रकार की जब इच्छा होती है, इच्छा की पूर्ति करने के लिए हर प्रकार की कार्य पद्धति सोचते रहते हैं। मैं अच्छा पढ़ूंगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी लड़की मिलेगी, अच्छा समाज चलेगा, समाज में मेरा नाम रहेगा, समाज में मेरा कार्य रहेगा, समाज में हम बहुत कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और इसी में हम गुरु के पास जाते हैं, आचार्यों के पास जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, धर्म गुरु के पास बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं, साधना के बारे में सोचते हैं, कोई ध्यानी के पास जाते हैं, कोई योगी के पास जाते हैं, सब विविध अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों के पास जाके, धर्म गुरु के पास जाके, चेतना युक्त पुरुष के पास जा करके हम अपने आप में दिव्य पुरुष बनने की कोशिश करते हैं, सक्सेसफुल मैन, सक्सेसफुल पर्सन बनने की कोशिश करते हैं। हमें भी सोचते हैं कि हमें कोई योग्य गुरु तो मिल जाए। मेरे जीवन में मैं ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि आज यहां इसके पास दीक्षा लिया, 2-3 साल के बाद किसी और के पास दीक्षा ली, 4-5 साल के बाद अरे ये तो बहुत बड़े गुरु हैं, चलो हम वहां जाकर के दीक्षा ली। यानी कि गुरु को भी ये सोचता है कि अरे ये तो मेरा चेला है, मेरा शिष्य है, मगर गुरु को भी शायद पता नहीं ये तो कितने गुरु के पास जाके आए। ठीक है, जाना चाहिए, भंवरे की तरह रहना चाहिए, पुष्प के ऊपर बैठो और उसी पुष्प का एक सुगंध, उसी पुष्प की एक सारांश लेकर के अपने जीवन में कुछ बनाने की क्रिया करें। आज मैं यहाँ एक विशिष्ट साधना की बातें करने जा रहा हूं। संसार के अंदर कई ग्रंथ हैं, उस ग्रंथों में एक ग्रंथ ऐसा है जो विश्व में लोग जानते हैं, भगवद गीता। महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद में से एक ऐसा ग्रंथ समाज को मिला जो कर्म का सिद्धांत समझाने और आदमी के हर प्रश्न का उत्तर इसके अंदर है। किस रूप से हम पढ़े, किस रूप से सुने, किसके पास सुने, कैसे सुने, कहां सुने और किस रूप से हम एब्जॉर्व करें अपने जीवन के अंदर। लोकप्रिय है वो ग्रंथ, हर जगह जाओ, चाहे आप कोर्ट कचहरी में भी जाओ तो जो शपथ विधि में भी जाओ तो उस ग्रंथ का उपयोग किया जाता है, ऑथेंटिक ऐसा ग्रंथ। और वैसे ही साधना की ओर हम चलते हैं तो सिद्ध पुरुष, भगवती की शक्ति आराधना करने वाले पुरुष, जो शक्ति की साधना करके करोड़ों हजारों लोगों को अपने कार्य सिद्धि कराने के लिए एक ऐसा ग्रंथ, हमारे हजारों ऋषि मुनियों ने इसका मनन मंथन चिंतन किया, इसके ऐसा मार्कंड पुराण का एक ऐसा स्वरूप, उसमें से एक सारांश ऐसा निकला जिसको कहते हैं दुर्गा सप्तसती। देखो भगवद गीता की बात की, उसमें भी 700 श्लोक है और दुर्गा सप्तसती उसमें भी 700 श्लोक है।
ग्रंथों की रचना देखो, 700 में से सात, यानी कि जो वीक का दिन वो भी सात है, आदमी आता है वो भी सात दिनों के बीच में ही आता है, आदमी जाता है वो भी सात दिनों के बीच में ही जाता है, यानी कि सप्त और मेघ धनुष रेनबो उसके कलर भी सात है। आप देखो क्या एक नंबर सात की महिमा कितनी बड़ी है। सो दुर्गा सप्तशती एक ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से हमारे जीवन की नेगेटिविटी, स्ट्रेस, हमारे जीवन में आने वाली बाधा, उसको नष्ट करने की क्रिया का एक बहुत तीव्र मान प्रयोग, हमारे जीवन में चलती हुई गाड़ी, हमारे जीवन की चलती हुई गाड़ी का मतलब जो हमारा प्रोग्रेस, प्रगति, उसमें जो रुकावट आ रही है, ये प्रगति एक ऐसा रास्ता है, इस रास्ते में एक से अनेक ऐसी ट्रैफिक लाइट है कि बार बार गाड़ी को रोकना पड़ता है। ऐसी ट्रैफिक लाइट आ जाती है हमारे मार्ग के बीच में कि गति पे गाड़ी चलने लगी, मगर तुरंत वापस ब्रेक लगानी पड़ेगी क्योंकि सामने शत्रु रूपी ट्रैफिक लाइट सामने खड़ी हो जाती है, जलस रूपी ट्रैफिक लाइट सामने खड़ी हो जाती है, आपके प्रोग्रेस को नहीं देख सकते ऐसे समाज के अंदर ऐसे शत्रुओं की ट्रैफिक लाइट सामने खड़ी हो जाती है। हमारे परिवार के अंदर ही, हमारे अंदर के लोग ही आपके ऊपर प्रोग्रेस के देख करके जलसी जब करते हैं। आप देखो महाभारत, क्या पाड़ोस वाले आए थे क्या महाभारत करने वाले? रामायण उसमें विभीषण और जब रावण की जब बातें चली हो तो पारिवारिक नहीं थे, मगर बहुत एक ऐसी आशीर्वाद की ऐसी प्रक्रिया, आशीर्वाद ऐसा भगवान भोलेनाथ का जब बनते हैं ऐसे परिवार में, सब कुछ होने के बावजूद भी एक शांति, परम शांति, सच्चित आनंद की क्रिया प्राप्त होती है, तब आप समझना कि आपका जीवन में, आपके जीवन में आपके माता पिता का आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से आपके पास सब कुछ है और परम शांति भी है। और वही परम शांति को प्राप्त करने के लिए उसी परम वो अपने जीवन के अंदर जो नेगेटिव है, वो नेगेटिविटी रूपी शत्रु है जो आपके विघ्न में और विघ्न डालने की क्रिया करते हैं, और उसमें एक ऐसा उपाय जिसको हम दुर्गा सप्तशती की बातें करते हैं, और ये एक ऐसा ग्रंथ है जो दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों में से उसका बीज निकाला हुआ है। आपको डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि विटामिन सी की कमी है, तो क्या करते आप? विटामिन सी वाले फ्रूट वूट सब बहुत कुछ खाते हैं, फिर भी बॉडी में इतना विटामिन सी नहीं आता, तो फिर मेडिकल स्टोर में जाकर के आप गोली लेते हैं विटामिन सी की, और तुरंत जब 2-3 महीने खाने के बाद पता चलता है कि यस आपकी बॉडी में विटामिन सी बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, यानी कि जिसमें विटामिन सी था उसी विटामिन सी से निकाल करके एक छोटी सी गोली बना दी और वो गोली आप खाने लगे, आपका शरीर में विटामिन सी आने लगे। वैसे ही दुर्गा सप्तशती के जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में हमारे ऋषि मुनियों ने संशोधन करके उसका बीज स्वरूप, यानी कि बीज मंत्र का स्वरूप से दुर्गा सप्तशती लिखी, और ये ग्रंथ ये कैसा छोटी सी पुस्तक है मगर एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें 700 एक डिवाइन एनर्जी छिपी ही है, और ये हमारे परम आदरणीय वंदनीय हमारे अवधूत बाबा शिवानंद जी ने, उनके श्रीवियोग संस्था ने एक दुर्गा सप्तशती की पुस्तक भी निकाली वो बीजोक्त, और ये पुस्तक की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बीज मंत्र जितने श्लोक है वो श्रापित है, मगर बीज मंत्र श्रापित नहीं है, और सी पूरी दुर्गा सप्तशती 15 से 20 मिनट में आप उसका जाप कर सकते हो। हजारों लोगों ने
ये इसका जाप करके जीवन को धन्य बनाया, हजारों लोगों ने इसका एक पाठ करके आपका जीवन का अंग बना सकते हो। दुर्गा सप्तशती बिजुक्त मंत्र की साधना और आपकी जीवन की हर कठिनाई, इसका उपयोग जब जीवन में चाहिए तो मैं खुद स्वयं भी करता हूं। कई टीवी चैनल में और कई एपिसोड में आपने सुना होगा कि कई प्रयोग में मैं बार बार कहता हूं कि लोग कहते आंखन देखी या लोग कहते पोथन देखी, दोनों अलग अलग बातें होती है, मगर लोग कहते हैं पोथन देखी, मगर मैं कहता हूँ आंखन देखी। और मैं और भी एक इससे आगे बात करता हूँ, मैं खुद स्वयं अनुभव करता हूँ फिर सामने वाले को अनुभव करवाता हूँ। ये मेरी गुरु परंपरा का नियम है। मेरे परम आदरणीय परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी जो मेरे गुरु रहे, उन गुरु के माध्यम से जो दीक्षा प्राप्त हुई सो उस परंपरा में यही सिखाया है कि बेटा आप पढ़ो, पढ़ने के बाद खुद साधना करो, साधना करने के बाद खूब अनुभव करो, खुद अनुभव करने के बाद किसी की समस्या का निवारण करने के लिए सामने वाले को भी अनुभव कराओ, क्योंकि ज्ञान को जितना बांटोगे इतना बढ़ेगा। तो ये दुर्गा सप्तशती जो है इसका पाठ, मगर इसका एक विशिष्ट इसके साथ एक प्रयोग मैं आपको बताऊंगा, जीवन में बहुत काम आएगा। मेरे साथ मेरे सामने एक ऐसा विशिष्ट यंत्र है, आपको इसका प्रयोग मैंने पहले भी बताया था। ये जो यंत्र है वो इस पूरा यंत्र को आप देखोगे तो उसमें तीन प्रकार के यंत्र है, माँ काली महालक्ष्मी मास तीनों प्रकार के यंत्र आप देख रहे हो। इसको इस यंत्र को आप पूर्ण रूप से देखोगे, बहुत गहराई से देखो तो तीनों शक्तियों का समावेश हमारे दुर्गा सप्तशती में बताया गया है। और ये यंत्र आप देख तो रहे हो, कहीं से भी मिल जाए तो प्राप्त कर लेना। कठिनाई हो रही है तो हमारी संस्था का संपर्क करना, हम आपके लिए तैयार करवा देंगे। और एक विशिष्ट यंत्र, और आप देखो इसको पूरा ऐसा प्लेट पे नहीं है, पूरा 3D है, यानी कि इसकी चेतना जो है पूर्ण आपको अच्छी तरह से देख पाओगे तो ये पूरा 3D के रूप में है, देखा। और 3D इसीलिए क्योंकि जितना यंत्र यानी कि जो बल्ब है, इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब भी अगर नीचे लगा हुआ है उसको थोड़ा सा और ऊपर कर दो तो प्रकाश बढ़ जाएगा। तो वैसे ही इस यंत्र को आप देखोगे, अच्छी तरह से देखोगे तो महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती तीनों यंत्रों का ये समावेश इसके अंदर है। और ये यंत्रों को आपके सामने रखना है और सामने जैसे एक लाल कपड़े के ऊपर बिछा दो और कुछ भी, इसको सामने रखते हैं और उसमें अगर आपके पास अनुकूल है तो घी का दिया लगा दो, धूप लगा दो और दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कीजिए। आपको इस दुर्गा सप्तशती की पुस्तक जो लोग शिव योग से जुड़े हुए हैं उनके पास तो होगा ही होगा, क्योंकि हमारे बाबा जी ने बहुत इसके ऊपर साधना कराई। मगर मेरे मन में एक आज और चिंतन आया कि इस पाठ का और विशिष्ट और आपको एक अनुभव हो, इसलिए ये यंत्र की रचना तो ऋषि मुनियों ने की, यंत्र को संयुक्त, क्योंकि मुझे याद है उसको त्रिशक्ति का यंत्र भी माना गया। जब हम छोटे थे हमारे गुरुजी साधना करवाते थे तो इसी तीनों यंत्रों को एक ताम्र पत्र पर अंकित करके फिर तीनों यंत्रों को एक साथ, यानी कि दुर्गा सप्तशती में भी तीन ही देवी का वर्णन है, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, बाकी की जितनी देवियाँ हैं स्वरूप है इनके। तो दुर्गा सप्तशती में जो तीनों देवी है उसी प्रकार से इसमें भी तीनों यंत्रों की रचना है। और ये तीनों यंत्र एक ऐसा विशिष्ट यंत्र आपको मैंने दिखाया कि उसको सामने रख करके जब दिए का दिया लगा करके जब पाठ करोगे, मैं आपको कहूँगा आपके जीवन की हर समस्या का समाधान एक दो पैर का आदमी नहीं कर सकता, तो दिव्य शक्ति वहाँ काम करेगी। आप स्ट्रेस में है, आप डिप्रेस में है, आपकी मानसिक समस्या है, आप सोचते हैं मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ कर रही हूँ, मेरा कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, तो आप जितनी मेहनत में एनर्जी लगा रहे हो इतने सिर्फ 24 घंटे में एक आधे घंटे की एनर्जी यहाँ लगाओ।
और ये आधे घंटे की एनर्जी, 30 मिनट की एनर्जी 30 घंटे तक आपको चेतना देगी और आपके हर रुकावट को वहां से एक आसान तरीका बता करके कहीं ना कहीं रास्ता निकाल देगी। क्योंकि देवी देवताओं को भी जब जब मुश्किलें आई, जब जब समस्या आई, तो भगवती शक्ति की आराधना के पीछे लगे। तो देवी आराधना, देवी शक्ति एक ऐसी शक्ति है कि जीवन के अंदर जो कार्य संभव नहीं है वो संभव कर, जीवन के अंदर जो भी असंभव कार्य है उसको संभव बनाना देवी शक्ति का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। आप देखो, एक पुरुष भी जब बड़ा स्ट्रेस में रहता है, डिप्रेशन में होता है, या तो आपकी माँ के साथ बैठ करके 2 बार बात कर लेता है, माँ कहती है बेटा कोई बात नहीं, भगवान से प्रार्थना करूंगी, तेरा कार्य हो जाएगा। माँ के वो 2 शब्द आपको हौसला देता है, और आपको शायद पता नहीं माँ के उस 2 शब्द की जो शक्ति है, उस जो शक्ति के माध्यम से वही भगवती जगदम्बा की शक्ति आपके माँ के स्वरूप में शक्ति आकर के आपका कार्य सिद्ध करवा देती है। आदमी कितना भी थका हुआ परेशान, आपकी पत्नी के साथ बैठ करके वो चर्चा करता है, पत्नी कहती है ठीक है कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आप बड़ी मेहनत कर रहे हो, मैं कल भगवान से प्रार्थना करूंगी। उनकी भगवान की जो प्रार्थना, मगर उसी दुर्गा शब्द, वो भी दुर्गा की शक्ति आपकी पत्नी के मुख के माध्यम से, पत्नी की चेतना के माध्यम से आपके पास आ सकती है। जब बाप परेशान है अपनी बेटी से बात करता है, तो बेटी के माध्यम से उस परंपरा की शक्ति आपके पास आ सकती है। यानी कि जीवन के अंदर चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, जीवन का ये जो 4 स्वरूप है, ये 4ों स्वरूप में किसी में किसी रूप में आपको सपोर्ट और सहयोग उस भगवती जगदम्बा उनके माध्यम से देती है। आप सोचते हैं मैं तो इतना पाठ करता हूं तो अष्ट दुर्गा मेरे सामने खड़ी होकर कार्य करेगी। अरे आपके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि एक सूर्य को देख सकते हैं आप, तो करोड़ों सूर्य समान भगवती शक्ति की आराधना अगर वो प्रकट भी हो जाए तो आपकी चर्म चक्षु में इतनी ताकत है नहीं है। और इसीलिए उस शक्ति का जैसे कि कुछ समस्या है माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, आपके पास वो जब 2 शब्द मिलता है ना, समझ लेना आपकी साधना की सफलता वहां प्राप्त हो गई। मंदिर में जाकर के हम देवी के सामने दिया करते हैं, वो सुनती है आपकी बात, मगर वही आपके परिवार के अंदर माँ, बेटी, बहन, पत्नी के रूप में वही कार्य करके आपको सहयोग कर देती है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में नारी शक्ति का सम्मान बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। और ये महत्वपूर्ण बातें हैं, ये साधना का मार्ग आपके जीवन के अंदर दुर्गा सप्तशती के पाठ के माध्यम से, ये महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती 3ों यंत्रों के माध्यम से जीवन सफल हो, ऐसी ही कामना करता हुआ भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हर घर घर में एक शक्ति रूपी दिया आपके अंदर और आपके परिवार में एक प्रज्वलित रहे, एक जलता रहे, एक प्रकाश देता रहे और जीवन में अंधकार निकल करके प्रकाश की ओर बढ़ते रहे। ओम शांति शांति शांति।